इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस को स्टडी करेंगे। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज फाउंड बाय एडिंग अ कांस्टेंट कॉल द कॉमन डिफरेंस टू द प्रीवियस टर्म। एक ऐसा सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है जिसमें हम नेक्स्ट टर्म इस तरीके से फाइंड करते हैं कि अगर हम प्रीवियस टर्म में किसी कांस्टेंट को ऐड करते जाएं, वो जो कांस्टेंट है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। या हम इस अरिथमेटिक सीक्वेंस को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज सेम। अगर किसी सीक्वेंस में हमारे पास एक टर्म और उससे पिछली वाली टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होगा तो उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। या अगर किसी सीक्वेंस में पहली टर्म के बाद हम नेक्स्ट टर्म्स इस तरीके से फाइंड करते हैं कि उनमें हम एक कांस्टेंट ऐड करते जाएं तो उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10। अब ये जो सीक्वेंस है, जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, 2 में हमने एक कांस्टेंट ऐड किया 2, 4, 4 में हमने वही नंबर ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई 6, 6 में हमने वही नंबर ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई 8, 8 में हमने वही नंबर ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई 10। या हम इसको इस तरीके से भी देख लेते हैं कि अगर किसी एक टर्म और उससे प्रीवियस टर्म का डिफरेंस निकालें तो वो पूरे सीक्वेंस में सेम हो। यहां पे अब 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2, 10 - 8 = 2। तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ये जो डिफरेंस है बिटवीन टू कंजेक्टिव टर्म्स, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको हम डिनोट करते हैं डी से। डी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द टर्म प्रीवियस फ्रॉम इट। किसी एक टर्म और उससे पिछले वाले टर्म का जो डिफरेंस है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और अगर किसी सीक्वेंस में किसी एक टर्म और उससे पिछले वाले टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम होगा तो उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। और इस कॉमन फैक्टर को अगर हम ऐड करते जाएं टर्म्स में तो हम नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है 2, 5, 8 और हमने इसकी नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो फाइंड करनी है। अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो डी इज इक्वल टू ए टर्म एंड डिफरेंस ऑफ द टर्म प्रीवियस फ्रॉम इट विच इज 2, वो है 3। अगर हम इस टर्म में पिछले वाले टर्म है उसमें इस डिफरेंस को ऐड करते जाएं तो हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं। यानी कि जब हमने पहले टर्म है 2 इसमें 3 ऐड किया तो हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड कर ली 5, 5 में 3 ऐड किया तो हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड कर ली 8। सिमिलरली 8 में हम 3 ऐड करेंगे तो इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी 11, 11 में हम 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी 14 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमने किसी सीक्वेंस में, फॉर एग्जांपल इसमें हमने 15th या 100th टर्म जो है वो फाइंड करनी है, तब हम क्या यही करेंगे कि हम पिछली टर्म में
जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते जाएं और हर टर्म फाइंड करते जाएं, नहीं। इसके लिए फिर हमें कोई एक फॉर्मूला जो है वो देखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि ये जो पहली टर्म है ए वन, इसमें मैंने डिफरेंस जो है डी उसको ऐड किया तो मेरे पास दूसरी टर्म आ गई ए टू, और जो इससे नेक्स्ट टर्म है ए थ्री, अगर मैं इसी पहली टर्म में इस डिफरेंस को टू टाइम्स ऐड कर दूं तो मेरे पास जो थर्ड टर्म है वो आ जाती है। यानी कि अब आप देखें, पहली टर्म है टू, टू में थ्री का टू टाइम्स हो जाएगा सिक्स, तो सिक्स प्लस टू एट। सिमिलरली जब मैंने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो अगर मैं पहली टर्म में थ्री टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इससे हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि जब भी हमने कोई एक टर्म फाइंड करनी होगी तो पहली टर्म में हम उस टर्म में से एक कम जो कॉमन डिफरेंस है वो उतने टाइम्स ऐड कर देंगे। अगर हमने nth टर्म ऐड करनी है फाइंड करनी है सॉरी, तो पहली टर्म में हम n माइनस वन टाइम्स कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड कर देंगे। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का एक जनरल फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास होता है d इज इक्वल टू an माइनस वन, और हमने फॉर्मूला जो है वो फाइंड करना है an के लिए, तो an हमारे पास हो जाएगा an माइनस वन प्लस d। तो अगर मैंने पहली टर्म फाइंड करनी है सॉरी पहली टर्म a1 तो हमारे पास होगी, सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो a2 इज इक्वल टू, जहां जहां पे n है वहां वहां पे 2 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा a1 प्लस d, या ये इस चीज के भी तो इक्वल है इज इक्वल टू ए वन प्लस टू माइनस वन इंटू डी, और जब हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है ए थ्री, तो जहां पे एन है वहां पे हम टू पुट कर दें तो वो हो जाएगा ए टू प्लस डी, लेकिन ए टू की तो वैल्यू हमारे पास है ए वन प्लस डी, तो ये हो जाएगा ए वन प्लस डी प्लस डी, या इज इक्वल टू ए वन प्लस टू डी। सिमिलरली ए फोर, जहां पे एन है वहां पे फोर पुट कर दें तो ए थ्री प्लस डी, तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू ए थ्री, अब हमारे पास है ए वन टू प्लस टू डी, तो उसमें प्लस डी ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा ए वन प्लस थ्री डी। तो हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया कि अगर हम ने जो भी टर्म फाइंड करनी है, अगर हमने फॉर एग्जांपल टर्म फाइंड करनी है ए 70, तो हम क्या करेंगे कि जो भी टर्म फाइंड करनी होगी उसमें से एक कम करके उतने टाइम्स कॉमन डिफरेंस जो है वो पहली टर्म में ऐड कर देंगे a1
plus 69 D. कोई भी सीक्वेंस हो उसमें हम कोई भी टर्म जो है वो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यही जो सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, अब इसमें से मैंने फाइंड करनी है नाइन्टीथ टर्म. तो मैं क्या करूंगा, जो पहली टर्म है उसमें इस टर्म से एक कम टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, यानी कि 89 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा. तो ए वन हमारे पास है 2 प्लस 89 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 2, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2 प्लस 178 इज इक्वल टू 180. सो ए 90 इज 180. इस तरीके से आप किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस में कोई भी जो टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं. अरिथमेटिक सीक्वेंस में इस ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस टर्म को हम nth टर्म या जनरल टर्म भी कहते हैं. तो कोई भी अगर हमारे पास सीक्वेंस दिया गया होगा उसमें हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. पहली एग्जाम्पल ये है, फाइंड जनरल टर्म एंड द 11th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ the first term is 2 and the common difference is minus 3. एक arithmetic progression की जो पहली term है वो 2 है और उसका जो common difference है वो minus 3 है. हमने उसकी general term और 11th term find करनी है. पहले हम general term find कर लेते हैं. हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए वन की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3. इस माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 एन प्लस 3 और 5 माइनस 3 एन इज ए एन. अब ये हमारे पास उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक जनरल टर्म आ गई जिसमें पहली टर्म जो है वो 2 है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस 3 है. अब इस जनरल टर्म में हम एन की जगह पे कोई भी वैल्यू डाल दें तो हम वो टर्म फाइंड कर लेंगे. फॉर एग्जांपल साथ हमने 11th टर्म भी फाइंड करनी है, तो जहां जहां पे n है वहां वहां पे हम 11 पुट कर देंगे तो हमारे पास 11th टर्म जो है वो आ जाएगी. ए 11 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 33 विच इज इक्वल टू माइनस 28. सिम कोई भी अगर टर्म फाइंड करनी होगी किसी भी सीक्वेंस में तो उसकी जो जनरल टर्म है चाहे तो सबसे पहले वो फाइंड कर लें या हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म है
an is equal to a1 plus n minus 1 into d, उसमें ये values put कर दें n की और d की और a1 की, तो आप उसकी कोई भी जो term है वो find कर सकते हैं. Next example is if the fifth term of arithmetic progression is 13 and 17th term is 49, find an and a 13. अब एग्जांपल ये है कि अगर किस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फिफ्थ टर्म जो है वो 13 है और 17th टर्म जो है वो 49 है. इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आप जनरल टर्म फाइंड करें और 13th टर्म जो है वो फाइंड करें. तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं. a5 इज इक्वल टू 13. इस a5 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 13, और साथ ही बताया हुआ है a17 इज इक्वल टू 49. तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, a1 प्लस 16d इज इक्वल टू 49. अब अगर इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर सबट्रैक्ट किया जाए कि a1 प्लस 16d इज इक्वल टू 49 माइनस a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा 12d इज इक्वल टू 36 और d इज इक्वल टू 3. अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है. अब कोई भी अगर हमने जनरल टर्म फाइंड करनी हो या कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक d और एक a1. d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हमने a1 की वैल्यू फाइंड करनी है. वो हम यहां से फाइंड कर लेते हैं कि a1 plus 4d is equal to 13, d is 3, वो यहां पे हम पुट कर देंगे तो a1 is equal to 13 minus 4d और a1 is equal to 13 minus 4 into 3. So a1 is equal to 13 minus 12 which is equal to 1. अब हम an भी फाइंड कर सकते हैं और a13 भी फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले an फाइंड कर लेते हैं. an जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इनटू d. a1 की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस d हमारे पास है 3. So an is equal to 1 plus 3n minus 3 or is equal to 3n minus 2. और साथ हमने इसके 13th term भी find करनी है, a13th. तो ये general term है, उसमें n की जगह पे 13 put कर देंगे, 3 into 13 minus 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 39 minus 2 which is equal to 37.
ये एक एग्जांपल थी जिसमें हमें फिफ्थ टर्म दी गई थी और 17th टर्म दी गई थी और हमने जनरल टर्म और उसकी 13th टर्म जो है वो फाइंड करनी थी। अरिथमेटिक सीक्वेंस में जब भी हमने जनरल टर्म फाइंड करनी होगी या कोई भी टर्म फाइंड करनी होगी तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक कॉमन डिफरेंस और एक फर्स्ट टर्म। ये 13th टर्म है, जो फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 13 है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 13 और 17th टर्म जो है इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है a1 प्लस 16d इज इक्वल टू 49। तो इस इक्वेशन में से मैंने इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो वहां से d की वैल्यू आ गई और वो जो d की वैल्यू थी वो हमने यहां पे पुट कर दी a1 प्लस 4d में, वहां से a1 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a1 भी है d भी है तो जनरल फॉर्मूला जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d, उसमें वैल्यूज पुट करके हम कोई भी टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंसेस को स्टडी किया। एक ऐसा सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है जिसमें पहली टर्म के बाद अगली टर्म्स इस तरीके से फाइंड करते हैं कि अगर हम उनमें एक कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड करते जाएं, या हमारे पास वो सीक्वेंस जिसमें एक टर्म और उससे पिछली वाली टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम हो, उसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10 जिसमें हमारे पास सारी जो टर्म्स हैं उनमें कंजेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 2 है और वो पूरे सीक्वेंस में सेम है। उसके बाद हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला जो है वो देखा, जो कि है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। और उसके बाद हमने दो एग्जांपल्स देखी जिसमें एक में हमने जनरल टर्म को देखा और जिसमें हमारे पास पहले टर्म और जो कॉमन डिफरेंस था वो दिया गया था। दूसरी एग्जांपल हमने देखी जिसमें हमारे पास दो टर्म्स दी गई थी लेकिन हमने फर्स्ट टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो खुद फाइंड किया। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज नंबर 6.2 में हैं, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 उसको सॉल्व करेंगे।